Bismillahir Rahmanir Rahim. Important questions on major issues in Pakistan economy. Major issues in Pakistan economy. Iske andar teen topics most important hain. Ab yun samjh lenge agar aap ye wo teen topics kar lete hain to aap easily 60 to 70% number nikal sakte hain isme se. अब वो तीन टॉपिक्स कौन से हैं? एक है एग्रीकल्चर सेक्टर. एग्रीकल्चर सेक्टर. नंबर दो इंडस्ट्रियल सेक्टर. नंबर थ्री फॉरेन एड्स एंड इंटरनेशनल डेट. ये तीन टॉपिक्स आपने कंप्लीट तैयार करने हैं. इसमें जो सब टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल नहीं छोड़ने आपने. एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन एड्स एंड इंटरनेशनल डेट. लेकिन इसके बावजूद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हुए हैं, उसके ऊपर भी मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं. लेकिन आपने इन तीन टॉपिक्स को कंप्लीट तैयार करना है और उनमें से जो इंपॉर्टेंट है उसको अच्छे तरीके से आप देख लें. ये पेपर आपका सो सिंपल है, इसमें कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है. ये दो सेक्टर जो मैंने आपको बताए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये आपके जो है जो अगर आप इकोनॉमिक्स का पेपर जो है कंपटीशन में दे रहे हैं या कोई जो है यूं समझ लें कि जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये दो सेक्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. अच्छा, तीन टॉपिक्स ये हो गए. चौथे नंबर पे इकोनॉमिक सर्वे या इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ पाकिस्तान, ये लेटेस्ट आपने मार्केट से परचेज कर ले या नेट के ऊपर इसको सर्च मार के आप डाउनलोड कर ले. इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान या इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ पाकिस्तान, ये आपके पास लेटेस्ट प्रोफाइल होनी चाहिए इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान की, और उसमें जो डाटा दिया गया है वो आप अच्छे तरीके से याद कर ले. जैसे कि जीडीपी कितना है, नेशनल इनकम कितनी है और अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, इस तरीके से जो अपडेटेड फिगर्स हैं वो आपने इसमें पुट करनी है. ये अलग से आपको मिल जाएगा, नेट पे सर्च मार लें या फिर मार्केट से भी परचेज कर लें इकोनॉमिक सर्वे या इकोनॉमी ऑफ प्रोफाइल ऑफ इकोनॉमी प्रोफाइल ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी या इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ पाकिस्तान. लें जी, अब हम जो है इन कुछ क्वेश्चंस की तरफ आते हैं. क्वेश्चन नंबर वन जो मैंने आपके लिए निकाला है वो है इन पाकिस्तान इकोनॉमिक ग्रोथ इज फर्निश्ड विद लिमिटेड डिवेलपमेंट. Analyze it with reference to the different periods. जब इस तरह आपके पास आ जाए different periods तो आप थोड़ा थोड़ा जो है हर period के ऊपर लिखें. Evaluate economic performance of Pakistan economy. First and last periods. आपके पास काफी सारे periods आए होंगे लेकिन उसमें से जो preferable जो है फर्स्ट और लास्ट, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें. बाकी जो इसके मिड में पीरियड है उसको थोड़ा थोड़ा आप देख लें इसमें है क्या. क्वेश्चन नंबर टू के अंदर मैंने रखा हुआ है फर्स्ट एंड लास्ट फाइव ईयर प्लान. पांच साल जो प्लान है, पहला और लास्ट जो मैंने सेलेक्ट किया है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर, इट्स टारगेट प्रायोरिटीज एंड परफॉर्मेंस. क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर जी मैंने जो आपका रखा है वो मैंने रखा है एनालाइज द फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ पाकिस्तान इन डिफरेंट प्लान्स पीरियड एंड ईयर. फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी. क्वेश्चन नंबर फोर जी मैंने आपको जैसे कि पहले बताया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर, देयर इज नो
compromise for any questions of agriculture sectors. You must prepare all subtopics of agriculture sector and industrial sectors to escape from risk of any types. किसी भी किस्म के रिस्क से बचने के लिए आप जो है ये टू टॉपिक्स एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल कंप्लीटली यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम. सो देर आर सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर आई विदड्रॉन फॉर यू. आपने एग्रीकल्चर की बताना है, इसकी इंपॉर्टेंस बताना है, पाकिस्तान के अंदर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके डिमेरिट्स बताने हैं और फिर इसका रिमूवल बताना है इन डिमेरिट्स को, कि इस इन डिमेरिट्स को हैं जो इसके रास्ते में हर्डल्स हैं उसको किस तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं. लें जी, इसके अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन, सो मच इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रीन रेवोल्यूशन, और फिर लैंड रिफॉर्म्स एंड परफॉर्मेंस, ये तीन टॉपिक्स एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने इंडिकेट किए हैं. लेकिन करने आपने सारे के सारे ही हैं, तरीकेकार वही, आपने आउटलाइंस इनकी तैयार करनी है, बजाय इसके कर रट्टा मारना शुरू कर दें, इनकी आउटलाइंस से आप तैयार करें. इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ हम आते हैं, इसके अंदर आपने इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, बैकवर्डनेस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, मेजरमेंट टू remove these backwardness, problem of small scale manufacturing, ये अक्सर वो पूछ लेता होता है, small scale manufacturing. अब exports जो आप manufactured करते हैं, वो exports of manufactured goods, कौन कौन सी आप goods export कर रहे हैं और उसकी detail. question number 6 के अंदर मैंने रखा है आप जो issue, वो अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का आपने बताना है कि मेजर कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान एंड हाउ टू रिमूव दीज कॉजेज, दैट इज कॉल्ड मेजर्स. और फिर आपने ये भी बताना है कि गवर्नमेंट स्टेप्स क्या हैं, हुकूमत ने इस मामले में कौन से स्टेप लिए हैं इसके जो मेजर कॉजेज हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, उसको रिमूव करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 7 जी मैंने कंप्लीट टॉपिक आपके लिए रखा है, टू टॉपिक्स एग्रीकल्चरल सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड ये दिस थर्ड टॉपिक डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड्स एंड इन द इंटरनेशनल डेट्स और एक इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ पाकिस्तान. जी आपने बताना है कि नीड फॉर फॉरेन एड्स, इट्स टाइप्स, सोर्सेस एंड डीमेरिट्स, सेलियंट फीचर्स ऑफ डेट रिडक्शन एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, रोल ऑफ फॉरेन लोन इन पाकिस्तान सिंस पार्टीशन, जब से पार्टीशन हुई है उस वक्त से लेकर इसका रोल. क्वेश्चन नंबर जी 8 के अंदर जो है मैंने जो किया है, चूज किया है जी, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर पॉवर्टी, पॉवर्टी के अंदर है डिफरेंट मेजर्स ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी के लिए कौन कौन सी मेजरमेंट हैं जिससे आप एलोकेट करते हैं, इंडिकेट करते हैं डेट इज पॉवर्टी इन स्पेसिफिक एरिया ऑफ इकोनॉमी, स्पेसिफिक कंट्री. उसके बाद जो इकोनॉमिस्ट व्यूज, जो हमारे माहरे मुआशियात हैं, उनके क्या व्यूज हैं कंसर्निंग टू पॉवर्टी. उसके बाद गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, हुकूमत के ख्याल में पॉवर्टी क्या है, ये टॉपिक इसके अंदर आएंगे पॉवर्टी में. उसके अंदर अब हम बात करते हैं आगे इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन ये भी आप कंप्लीट टॉपिक कर लें, नहीं तो एटलीस्ट ये पॉइंट्स करें, इन्फ्लेशन की कॉजेस, इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, कॉजेस क्या है, मेजर्स क्या हैं,
और गवर्नमेंट स्टेप क्या हैं, और लास्ट नंबर पे WTO मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान पार्ट टू एंड इन मेजर इश्यूज इन पाकिस्तान इकोनॉमी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये आपने इसके कंप्लीट टॉपिक्स तैयार करने हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जी। ये एक मुख्तसर सा जो है वो मैंने जायजा लिया है मेजर इश्यूज इन पाकिस्तान जो मैंने आपको बताया। इसके अंदर एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड्स प्लस इन्फ्लेशन प्लस इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ पाकिस्तान जी, ये आपके मुख्तसर से चीजें हैं। इनको आउटलाइन की मदद से जो है वो आप कर लें। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो दूसरों के लिए भी फायदा मंद है, दूसरों को इससे फायदा पहुंच सकता है, तो फिर आप इस वीडियो को शेयर करें। ये तमाम आपके जो वीडियो लेक्चर्स हैं एक प्लेलिस्ट की सूरत में मैंने YouTube चैनल के अंदर कंपाइल किए हुए हैं। मेरा YouTube चैनल नदीम अख्तर अत्तारी, उसको सब्सक्राइब भी करें और उसके जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि एवरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वहां आप अपनी मुतलका जाके प्लेलिस्ट सर्च करें, वहां ये जो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट है वो है MA इकोनॉमिक्स के नाम पे मैंने बनाई हुई है। वहां विदाउट टाइम वेस्ट किए आप डायरेक्ट जाके उसमें से देख के जो आपने वीडियो देखनी है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मेरा जो है दो, अब पार्ट वन के मेरे दो सब्जेक्ट रह गए हैं जिनके ऊपर मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देने हैं, इस्लामिक इकोनॉमिक्स और स्टैट, ये दो रह गए हैं। इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द जो आपको जो है इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी और साथ वीडियोज भी अपलोड कर दी जाएंगी। आज मैंने जो है FB के ऊपर जो है डेट शीट अपलोड कर दी हुई है पार्ट वन और पार्ट टू की, पंजाब अकॉर्डिंग टू पंजाब यूनिवर्सिटी सिलेबस, अकॉर्डिंग टू पंजाब यूनिवर्सिटी पार्ट वन और पार्ट टू की दोनों की डेट शीट भी अपलोड हो चुकी हुई है। वहां जाके आप उन डेट शीट को भी डाउनलोड कर लें, और मैं एक इंशाल्लाह ताला आप वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर मैं आपको प्लान दे सकूं कि आपके ये 5-6 पेपर हैं आपने किस तरीके से इनको, जो 2 दिन की छुट्टी है या 3 दिन की छुट्टी है उसके अंदर किस तरीके से आपने मैनेज करना है, किस पेपर को आपने कितना टाइम देना है स्टडी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज। रमजान शरीफ का महीना जा रहा है, अपने लिए भी दुआ करें, अपने दोस्तों के लिए भी दुआ करें और मेरे लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा करे और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने का बायस बनाए। अल्लाह हाफिज।